लोकसभा की कार्यवाही के 13वें दिन आज सदन में लोकतंत्र प्रहरी सम्मान विधेयक निरस्त करने को लेकर प्रस्ताव भी पेश किया गया। प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि आरएसएस के ही लोगों को जेल भेजा गया, ये सत्य नहीं है। आपातकाल के विरोध में सब लोग इकट्ठा थे, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़े लोगों के लिए ये योजना शुरू की थी। कम सजा वालों को 12,000 और ज्यादा सजा पाने वालों को 20,000 प्रतिमा का प्रावधान किया गया था, इनकी संख्या मात्र 80 है। सत्ता पक्ष अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं तो इस बिल को सरकार को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र सबके लिए जरूरी है। इस मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सदन में कहा कि लोकतंत्र को देखने का नजरिया हमारा अलग है, आपका अलग है। इंदिरा गांधी ने क्या किया इसको भी नहीं भूलना चाहिए। आपातकाल के विरोध में जो आंदोलन किया गया वो राजनीतिक आंदोलन था, उन लोगों ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी। जिस पर भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने सदन में कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ी गई थी और सरकार का फैसला राजनीति से प्रेरित है। इस मुद्दे पर मंत्री जगत सिंह नेगी ने सवाल पूछते हुए कहा कि लोकतंत्र प्रहरी किसने घोषित किया, अगर इमरजेंसी लागू नहीं की जाती तो लोकतंत्र खत्म हो जाता। जगत सिंह नेगी ने कहा कि जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की उन लोगों को ही लोकतंत्र प्रहरी बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि इस बिल के माध्यम से विपक्ष के सदस्यों ने अपनी भड़ास निकालने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि भाजपा की पूर्व सरकारों को तो लोकतंत्र प्रहरी याद नहीं आए, लेकिन जब जयराम की सरकार बनी तो उनको प्रहरी याद आए। जब किसी सरकार की लोकप्रियता गिरती है तो उन्होंने इस प्रकार के प्रहरी याद आते हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि यह सरकारी धन का दुरुपयोग है। इस मामले में सदन में जमकर नोकझोंक हुई, विपक्ष के सदस्यों के वॉकआउट भी किया। हालांकि सदन में लोकतंत्र प्रहरी सम्मान विधेयक निरस्त करने बिल पारित हो गया और लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना खत्म हो गई। और चलिए सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रणवीर सिंह। रणवीर, आपसे जानना चाहेंगे आज काफी नोकझोंक जो है वो इस अहम मामले पर देखी गई है, क्या कुछ है तफसीलात? जैसा कि आशंका थी कि आज इस ये जो विधेयक लाया जाना है इसमें जो है गहमा गहमी होनी थी और वो हुआ, और जिस तरह से विपक्ष सदन से बाहर निकला है नारेबाजी करते हुए, हालांकि जो विपक्ष की तरफ से जो नारेबाजी की गई है, जो प्रोटेस्ट दर्ज किया गया है वो सदन के रिकॉर्ड में नहीं लिया गया है, ये जानकारी स्पीकर ने दी है। देखिए, यहां पर जो दलील दी गई इस कानून के पक्ष में और इस कानून के विपक्ष में जो दलीलें दी गई, यहां पर तमाम सारी बातें विपक्ष की तरफ से कही गई, आपने बताया भी दर्शकों को और यहां पर सत्ता पक्ष ने भी इसको कहा। देखिए, जिस कानून का हिस्सा बनाया गया था ये लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना है, जो दो खंड जोड़े गए थे उस दोनों खंडों को जो है वो निरस्त यहां पर किया गया है। सत्ता पक्ष का यह कहना था कि केवल अपने लोगों को खुश करने के लिए जो है ये योजना लाई गई थी, जब पूर्व में शांता कुमार दो बार मुख्यमंत्री रहे उन्हें भी जो है उस वक्त याद नहीं आई कि ये जो है ये सम्मान योजना शुरू की जानी चाहिए, और प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री रहे दो दफा, उन्होंने भी इस तरह का जिक्र नहीं किया, लेकिन अब जाकर ये यहां पर किया गया। और यहां पर ये भी दलील जो संसदीय कार्य मंत्री ने हर्षवर्धन चौहान ने दी कि जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में सिर्फ दो लोगों का जिक्र आता है, लेकिन उनमें भी जो है कोई इस तरह से जो है जेल में कोई यातना या प्रताड़ना उनकी नहीं की गई। तो पूरी तरह से ये जो उस वक्त आरएसएस के लोग थे, जनसंघ से जुड़े हुए लोग थे, और बाद में जब भाजपा बनी उनमें जो लोग शामिल हुए उनको जो है यहां पर ये सम्मान योजना 2019 में यहां पर शुरू की गई। और जितने लोगों को यहां पर यह कहा गया कि जितने लोगों को इस सम्मान योजना के तहत जो राशि दी जाती थी वो जो है वो सरकारी पैसे से दी जाती थी, और इनमें जो सूची गिनवाई गई उसमें अधिकतर करोड़पति लोग हैं, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं, और पूर्व में मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधानसभा के स्पीकर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये भी जोड़ा गया इसमें कि
स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इनको जोड़कर देखा जाना वो बिल्कुल सही नहीं है, इनकी तुलना सही नहीं है। तो इस मुद्दे पर ये शुरू से ही था कि इसमें नोकझोंक होनी थी, इसमें तकरार होनी थी, तल्ख जो टीका टिप्पणी है वो सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से हुई है। तो कुल मिलाकर अब भारी हंगामे और शोरगुल के बीच इस योजना को खत्म कर दिया गया और जिस कानून का हिस्सा इस योजना को बनाया गया था उसमें जो दो खंड जोड़े गए थे उन दोनों खंडों को जो है हटा दिया गया है। जी बिल्कुल रणबीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे इस अहम मामले पर जो आपने तमाम तर तफसीली जानकारी दी है। एक और अहम मामले को भी हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे, उस पर भी आपसे हम बातचीत करेंगे। दर्शकों आपको एक और अहम मामला बता दें कि आज सदन में कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने फर्जी डिग्री मामले में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया। राजेंद्र राणा ने सदन में कहा कि प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय में डिग्रियों को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। छोटे से हिमाचल में 17 निजी विश्वविद्यालय हैं। सोलन में तो एक पंचायत में 3-3 विश्वविद्यालय खुले हैं। मानव भारती विश्वविद्यालय शुरू करने के लिए 2007-08 में भाजपा सरकार के समय अनुमति दी गई थी। उस समय धूमल सरकार के समय विश्वविद्यालय खोलने के लिए दो बार मामला कैबिनेट में भी आया। मानव भारती विश्वविद्यालय के मालिक राजकुमार राणा की आपराधिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद विश्वविद्यालय चलाने की अनुमति आखिर कैसे मिली? जो कोर्स चलाने की अनुमति नहीं थी उस कोर्स की डिग्रियां भी बेची गई। फर्जी डिग्री लेकर कई लोग नौकरी में लग गए। इस मामले में राजेंद्र राणा ने सीबीआई जांच की सिफारिश और श्वेत पत्र जारी करने की मांग भी की। इस प्रस्ताव के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सदन में कहा कि फर्जी डिग्री मामले से व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा। प्रदेश में अधिकतर निजी विश्वविद्यालय 2008 से 2012 के बीच खुले। इस मामले की पहली शिकायत 2020 में सरकार को मिली, जो फर्जी डिग्री की संख्या की जानकारी सदन में दी गई उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। फर्जी डिग्री की संख्या, इस मामले पर 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं। इस विश्वविद्यालय के मालिक राजकुमार राणा की राजस्थान में 194 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। इंटरपोल की मदद से इसके परिवार को ऑस्ट्रेलिया से भारत लाने के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया। सभी मामले में चार्जशीट हो गई है। इस मामले पर जल्द सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की जाएगी। मामले में नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि मामले की जांच तेज होनी चाहिए, दोषियों को जल्द सजा मिलनी चाहिए। और इस अहम मामले पर भी हम सीधे रुक करना चाहेंगे। हमारे साथ लगातार मौजूद हैं हमारे साथी रणवीर सिंह। रणवीर, जिस तरह से फर्जी डिग्री मामले में यहां पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है पेश किया गया, ये मामला इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह के मामलों को लेकर सियासत तो गरमाई हुई है, साथ ही साथ बेहद अहम मामला ये माना जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो आगे देखने में आ रहे हैं। इस मामले पर भी आपसे डिटेल्स चाहेंगे। जी हाँ हिना, देखिए जब मामला सामने आया था न्यूज 18 ने ही 2020 की शुरुआत में इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। न्यूज 18 के पास जो पुख्ता खबर थी उसके मुताबिक जो मानव भारती यूनिवर्सिटी का जिक्र जब आया था उसमें 5 से 7 लाख डिग्रियां बेचे जाने का फर्जी तरीके से आरोप था और एक एपीजी यूनिवर्सिटी जिसमें यह बताया गया कि 10 से 15 हजार जो डिग्रियां हैं फर्जी तरीके से बेची गई। उस वक्त जो है काफी हंगामा हुआ था शुरुआत में। उस वक्त सत्ता में भाजपा थी, पहले ये कहा गया कि एक अनोनिमस लेटर जो है यूजीसी की तरफ से आया है, लेकिन जब हंगामा बढ़ा न्यूज 18 की खबर के बाद तब इस पर जो है जांच शुरू हुई। आज तक देखिए इसमें क्या हुआ। यहां पर राजेंद्र राणा ने भी ये कहा, अब तक इस मामले में 41,000 से ज्यादा डिग्रियों की जांच हुई जिसमें 36,000 से ज्यादा डिग्रियां जो है फर्जी इसमें पाई गई, केवल 5,000 के करीब जो डिग्रियां हैं वो सही पाई गई। यहां पर इनकी दलील ये थी कि यह मामला बहुत बड़ा है, ये एक राज्य तक सीमित नहीं है, देश के अलग अलग राज्यों में ये फर्जी डिग्रियां बेची गई हैं। अगर लाखों में जो डिग्रियां बेची गई हैं इसकी कीमत भी लाखों में है, तो यहां पर दलील ये थी कि ये पूरा मामला जो जाता है ये 20,000 करोड़ से ज्यादा का ये मामला है। और यहां पर सवाल भी ये उठाए गए कि इस संगीन अपराध के मामले में पूर्व सरकार के समय में जब इस मानव भारती यूनिवर्सिटी का जो मालिक है राजकुमार राणा उसको जब बेल मिली इस मामले में, तो उस वक्त राज्य सरकार की तरफ से कोई
हायर कोर्ट में अपील नहीं की गई, इसको लेकर भी सवाल था। जांच का दायरा बहुत बड़ा है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के भी का जो है मामला बनता है, तो यहां पर यह सिफारिश की गई थी कि या तो ये मामला जो है सीबीआई के पास दिया जाए जांच में। हालांकि राज्य पुलिस ने अच्छा काम किया है, जांच के दौरान 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, 21 लोगों को पकड़ा भी है और उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की है, एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट और इसमें अभी जल्द इसमें दायर की जाएगी। तो कुल मिलाकर कहने का यह मतलब था कि इस छोटे से हिमाचल में एक सोलन जिले में इतनी यूनिवर्सिटियां खोलना, जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वहीं से ये खेल शुरू हो गया था, इसकी तय तक जांच होनी चाहिए। सीबीआई इसकी जांच कर सकती है और ईडी को भी जो है इसकी जांच करनी चाहिए। तो यहां पर सदन में शिक्षा मंत्री की तरफ से जवाब ये दिया गया कि ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है, जो 194 करोड़ की संपत्ति मानव भारती यूनिवर्सिटी के मालिक की जब्त की गई है, उसमें बहुत सारी संपत्तियां हिमाचल में भी है, पौंटा साहिब का जिक्र किया, सोलन में जिक्र किया। तो कुल मिलाकर यहां पर ये जो दो तीन मुख्य बिंदु यहां पर राजेंद्र राणा ने ये कहा कि हिमाचल की छवि इससे धूमिल हुई है, बहुत सारे लोग फर्जी डिग्री लेकर नौकरियां प्राप्त कर चुके हैं, जो योग्य व्यक्ति थे वो पिछड़ गए हैं। तो इस मामले की जांच एक तो सीबीआई से होनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा ये मामला है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो पैसा इसमें इस्तेमाल किया गया है, और उसकी भी जांच जो है ईडी की तरफ से होनी चाहिए और इस पर श्वेत पत्र यहां पर जारी किया जाए। लेकिन जो दूसरी यूनिवर्सिटी इसमें शामिल थी, एपीजी यूनिवर्सिटी, उसको लेकर सदन में शिक्षा मंत्री की तरफ से यही कहा कि उस मामले की भी जांच यहां पर जारी है। तो कुल मिलाकर इस पर भी हंगामा मचा। इसके साथ जो नियम 62 के तहत जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया था, जो मंडी में जो पूर्व सरकार के समय विश्वविद्यालय खोला गया है, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वहां पर यह कहा गया कि नियमों को ताक पर रखकर शिक्षकों की भर्ती की गई, एलिजिबल लोग जो है बाहर हो गए और यूजीसी के नियमों की उल्लंघना की गई। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर जो नियुक्त किए गए हैं उसमें जो है धांधली की गई है, वहां भी अपने लोगों को एडजस्ट किया गया। ये अनियमितताओं का जो मामला है ये केवल एक सरदार पटेल यूनिवर्सिटी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सीयू में भी ऐसा ही हुआ है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही। तमाम तफसीलात दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एक और अहम मामला है जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे और उस पर भी आपसे डिटेल्स लेंगे। वो मामला है सदन में कालका शिमला फोर लेन के ताल्लुक से, जहां निर्मित कंगड़ा घाट सुरंग के मामले में भाजपा विधायक सतपाल सत्तीस ने नियम 62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया। ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सुरंग की अलाइनमेंट परिवर्तित करने से लागत में वृद्धि और देरी होने को लेकर लाया गया। सतपाल सत्ती ने प्रस्ताव पर सदन में कहा कि टनल का निर्माण 90% पूरा हो चुका है, अब कहा गया कि टनल में पानी का टैंक आ गया है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस पूरे विषय पर कंपनी से जवाब तलब किया जाना चाहिए, सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए। सतपाल सत्ती ने कहा कि फोर लेन निर्माण में 2-3 साल की देरी हुई है, लागत भी बढ़ गई है, इसका काम जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। और प्रस्ताव पर जवाब देते हुए लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सदन में कहा कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस निर्माण कार्य में पीडब्ल्यूडी का लेना देना नहीं है, इसकी पूरी जिम्मेदारी एनएचएआई की है। एनएचआई की ओर से जानकारी दी गई कि 2024 तक निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है। 207 मीटर सुरंग बढ़ाई जाएगी, इसमें करीब 50 करोड़ का खर्च आएगा। इस मामले पर भी सीधे हम तफसील हासिल करेंगे। लगातार रणवीर हमारे साथ तमाम अहम मुद्दों को लेकर मौजूद हैं। रणवीर, इस अहम मामले के ताल्लुक से भी आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए, जो भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने ये जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया था, उन्होंने साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर ये कहा कि जब किसी प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार की जाती है, सर्वे इन्वेस्टिगेशन जब होता है, तो क्या इन चीजों का ख्याल नहीं रखा जाता, या फिर ये सर्वे जो है ज्यादातर दफ्तरों में बैठकर किए जाते हैं, तो ये कैसे संभव है कि आपने करोड़ों रुपए खर्च करके इसकी डीपीआर तैयार की, टनल की डीपीआर तैयार की, और अब जब इसका निर्माण कार्य आपने 90% पूरा कर लिया, तब आपको पता चल रहा है कि इस टनल के बीच में तो एक पानी का टैंक आ रहा है, वो
जो है जल शक्ति विभाग का है, तो अब ऐसे में ये क्या किया जाना है, तो इसकी अलाइनमेंट जो है वो परिवर्तित की जानी है, कुल 207 मीटर और जो है टनल अब बढ़ाई जाएगी। तो इस पर जो जवाब आया ये जानकारी दी गई कि एनएचआई की तरफ से राज्य सरकार को यह बताया गया कि इस पर भी 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं, यानी जो तय समय में पूरा होना चाहिए था ये फोर लेन का काम, वो तय समय में पूरा नहीं हो पाया। इससे क्या हुआ, एक तो जनता को परेशानी हुई, जनता का पैसा बर्बाद हुआ और इस परियोजना की लागत और बढ़ गई। और यहाँ पर सवाल इसी पर उठाया गया था कि इसमें जो ढिलाई बरती गई है, जवाबदेही इसमें तय होनी चाहिए, जो कंपनी निर्माण कर रही थी या फिर जिसने सर्वे इन्वेस्टिगेशन किया, जिसने डीपीआर तैयार किया, कि इतने करोड़ों रुपए जब खर्च किए जाते हैं तो तभी रिसर्च सही क्यों नहीं होती। डीपीआर में इस तरह की खामी उस वक्त नहीं आई जब आप निर्माण कार्य शुरू कर दिया, तो तब खामी यहाँ पर नजर आई। तो यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है उनकी तरफ से यह जानकारी दी गई है, यह निर्माण तो एनएचआई की तरफ से ही किया जाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से इसके बारे में जानकारी ली गई है। तो ये इसमें और समय अब यहाँ पर लगेगा, शायद ये 2024 तो लक्ष्य रखा गया है, क्या उस वक्त तक ये पूरी हो पाएगी या नहीं, तो कुल मिलाकर व्यवस्था की जो सदन की कार्रवाई थी, ये तमाम अहम मुद्दे रहे जिनके बारे में तमाम तक जानकारी दे रहे थे हमारे साथी रणबीर सिंह। रणबीर, बहुत बहुत यहां पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने इतने तफसील के साथ ये तमाम तक जानकारियां हमारे दर्शकों के सामने रखी।